नांदेड़ जिले में जारी जोरदार बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल बन गई है। बीती शब किनवट और माहौर के मुकाम पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पेन गंगा नदी में सैलाब आ गया है। नदी किनारे तमाम बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से लोगों को चौकन्ना रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की गई है। इसी तरह इंतजामिया की जानिब से राहत रसानी के काम में जगह जगह टीमें तैनात की गई है। किनवट के धानोड़ा के मुकाम पर नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिसकी वजह से इस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह माहौर के नाकड़ी नामी गांव में कई लोग सैलाब में फंसे हुए थे, इन्हें बाहर निकालने के लिए इंतजामिया की जानिब से राहत रसानी की टीमें रवाना कर दी गई है। नदियों में सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए माहौर के ससरपुर धबधबे को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा किनवट के मोमिनपुरा इलाके में बारिश का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से इंतजामिया की जानिब से 80 लोगों को खरीब के एक उर्दू स्कूल में मुंतकिल किया गया है। तहसीलदार और राहत रसानी की टीमें वहां पहुंच गई है और लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। हदगांव तालुके के वाकी गांव के मुकाम पर सड़क पर बने पुल में कचरा अटक गया है, जिसकी वजह से नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा था। इस कचरे को जेसीबी मशीन के जरिए हटा दिया गया है और इस रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धर्माबाद तालुके के बन्नाड़ी गाँव में सैलाबी सूरत हाल बन गई है। सैलाब मुतासर इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत अपनी पूरी टीम के साथ वहां का दौरा कर रहे हैं। मकामी लोगों से वो मुलाकातें करके हर तरह से मदद देने का लोगों को यकीन दिला रहे हैं। हदगांव तालुके के मौजा नेवरी में लोगों के मकानों में बारिश का पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में अनाज खराब हो गया है, जिसकी वजह से मुतासरा लोगों को एक स्कूल में मुंतकिल किया गया है और उनके लिए ताम व ख्याम का इंतजाम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक नांदेड़ जिले के 36 मंडलों में तूफानी बारिश हुई है। इनमें से 7 मंडलों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। काल दिनांक 20 जुलै रोजी खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे। 36 मंडळं आपली महसूल मंडळं त्यामध्ये अतिवृष्टी झाली आहे आणि विशेषतः 7 मंडळांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती कधी न झालेला अशा प्रमाणातला पाऊस झालेला आहे आणि त्यामुळे परिस्थिती ही निश्चितपणे खूप बिकट आहे। आज सकाळपासून मी मुखेड, देगलूर, बिलोली आणि आता धर्माबाद अशा काही तालुक्यांना भेट देत आहे। सगळ्या ठिकाणी ज्या ज्या गावांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे, घरांचं नुकसान झालं आहे, घरामधल्या वस्तूंचं नुकसान झालेलं आहे, अनेक ठिकाणी शेतीची जमीन खरडून गेलेली आहे आणि मुख्यत्वे करून बाजारपेठा जिथं आहेत तिथं थोडंसं जे व्यावसायिकांचे दुकानं असतात किंवा छोटे हातगड्या टपऱ्या असतील अशा ठिकाणी सुद्धा मोठं नुकसान झालेलं आहे। प्रशासनाला आपण निर्देश दिलेले आहेत की ज्या ठिकाणी नुकसान झालं अशा सगळ्यांच्या याद्या करा। ज्या गावांमध्ये 100% नुकसान झालेलं आहे तिथं तातडीनं ही प्रक्रिया सुरू करण्याला सुद्धा आपण निर्देश दिलेले आहेत आणि याचा पूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घेऊन संध्याकाळपर्यंत आपला प्राथमिक अहवाल हा जाईल। या सर्व परिस्थितीवर मी नागरिकांना हेच आवाहन करू इच्छितो की सुरुवातीला आपण स्वतःच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्यावं। कुठल्याही प्रकारे धोकादायक जिथं परिस्थिती आहे, नदीची पूल त्यावरनं जर पाणी वाहत असेल तर त्या ठिकाणी जाऊ नये, अशा प्रकारचं काही झाडं ठेवू नये। त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी जास्त पाण्याचा बहाव आहे अशा ठिकाणी विशेषतः टू व्हीलर्स वगैरे टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, जेणेकरून आपल्या सगळ्यांचं जीवन हे सुरक्षित राहील। जर गावामध्ये पाणी येत असेल, आपल्या भागामध्ये पाणी साचत असेल तर तातडीनं प्रशासन सांगेल अशा पद्धतीनं स्थलांतरित व्हावं, त्यामध्ये कुणीही उद्धत घालू नये किंवा थांबण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण सुरक्षितता ही शेवटी सगळ्यात महत्त्वाची आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे।